रामपुर के विकासखंड तहसील शाहबाद में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय हिम्मतपुर पर आयोजित किया गया, जिसमें न्याय पंचायत हिम्मतपुर में न्याय पंचायत मधुकर और न्याय पंचायत बड़ा गाँव के ग्राम प्रधानों ने प्रतिभाग लिया। रामपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता अरविंद भटनागर की रिपोर्ट। प्रदेश के जनपद अमरोहा के विकास खंड गजरौला की नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी को उपजिलाधिकारी मांगेराम चौहान ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ब्लॉक प्रमुख के पति ने कहा कि जिस भरोसे और विश्वास के साथ क्षेत्र की जनता ने मेरी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख चुना है, मैं उसी भरोसे और विश्वास के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का पात्र लोगों को लाभ दिलाऊंगा और क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दूंगा। निर्वाचित हुआ हूँ या हुई हूँ इस पर भी शपथ लेता हूँ या लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ या करती हूँ। हमारी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बहन शशि चौहान जी, हमारे एसडीएम साहब यहाँ पर उपस्थित, मेरे सभी सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्य। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। बाना के ग्राम पंचायत बेना में बकरी चराने गई महिला की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि शाम करीब 5 बजे अपनी बकरियों को लेकर महिला खेत गई थी, लेकिन जब काफी रात होने पर वो घर नहीं आई तो परिवारीजन महिला को खोजते हुए खेत की तरफ गए, जहां खोजबीन करने पर महिला की लाश खदान नंबर 4 के रास्ते में बने गड्ढे में मिली, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत बेंदा चौकी इंचार्ज को सूचना दी। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर महिला के शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसे से फोन करवाया शिवान नाम का, जरा फोन कर रहा था कि यह कहाँ है शायद के तो बैठ हो, तो वो फोन की तो कोई मतलब ये भर्ती मोबाइल उठाता नहीं था फोन। इसके बाद में भी वहाँ पहुँचे ढूंढने के लिए नार बार सब कम से कम 10-25 आदमी ढूंढने के लिए, जैसे वहाँ पानी बरसा था सगले हाथ ढूंढ करके आए। माता जी बकरी चराने गई थी घर के थोड़ा सा बगल से ही, थोड़ा जंगल था वहाँ पर, जो है जब शाम के समय नहीं पिता जी हमारे बेना घाट चले गए, मैं बाना में रहता हूँ, और जब पिता जी बेना घाट से अपने घर गए तो घर में ताला लगा हुआ था किसी आदमी के पास गई, और जब ताला लगा हुआ था बकरियाँ खराब थी माता जी नहीं आई थी, पिता जी का कार्य एक दो बार वहाँ देख लेंगे जहाँ बकरी चराने जाती, जब मैं उनको समझ गया तो अगल बगल वालों ने सहयोग लिया, फिर जाके ढोड़ा और वही ढोड़ते ढोड़ते वही तब उनकी लाश बराबर हो। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता अरुण कुमार की रिपोर्ट। भारत की केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 और निजीकरण के विरोध में मध्य प्रदेश के इंदौर में बिजली कर्मचारी व इंजीनियर द्वारा प्रदर्शन किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंदौर के पोलो ग्राउंड बिजली कंपनी मुख्यालय के गेट पर बिजली कर्मचारी व इंजीनियर जुटे और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 और निजीकरण का विरोध किया और इसे जनविरोधी बताया और केंद्र सरकार से मांग की कि बिजली कानून में व्यापक बदलाव वाले इस बिल को जल्दबाजी में पारित करने के बजाय इसे संसद में बिजली मामलों की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। तो मैं भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो है इंट्रोड्यूस होने वाला है और इसी सत्र में सरकार द्वारा मंशा व्यक्त की है इसको पास कराना है। जो बिजली विधेयक 2021 है संशोधित विधेयक, इसमें जिस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं वो बिजली हितों के प्रतिकूल हैं, एम्प्लाइज के प्रतिकूल हैं, सामान्य जनसंपर्क के प्रतिकूल हैं, आम जनता के, आम नागरिकों के, बिजली कर्मचारियों के, देश के युवाओं के, जहां पर वो उनके राजनीतिक पार्टी का जो है पूरा वो है कि उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, लेकिन जब संस्थान ही नहीं बचेंगे, संस्थान खत्म कर दिए जाएंगे तो वो नौकरियाँ कहाँ से दी जाएंगी। मध्य प्रदेश के रतलाम से केकेडी न्यूज संवाददाता मुजफ्फर अली की रिपोर्ट। बांदा पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
महिला की हत्या के कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए महिला के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि तिंदवारी थाना क्षेत्र के बेंदा गांव में बीती 19 जुलाई की दोपहर 55 वर्षीय महिला जंगल में बकरी चराने गई थी, लेकिन उसके बाद महिला वापस नहीं लौटी और फिर काफी खोजबीन के बाद महिला का शव मिला था। बता दें कि महिला की गर्दन में पीछे से धारदार हथियार से वार किया गया था। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी थी और तकरीबन 8 घंटे बाद पुलिस ने गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। हत्या की वजह महिला से अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। रात में एक ग्राम बेंदा थाना कुद्वारी में घटना हुई जिसमें की एक महिला की हत्या कर दी गई। महिला की उम्र लगभग 50 से 55 वर्ष के बीच थी और इस घटना की सूचना पर तत्काल हम सभी लोग वहाँ मौके पहुँचे। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड सभी मौके पहुँचे और बहुत ही कम समय में विद इन 6 से 8 घंटे में हम लोगों ने घटना को वर्कआउट कर लिया। और घटना इस तरह से थी कि गांव का ही एक रमेश उन्नू नाम का व्यक्ति है। बांदा से केकेडी न्यूज ब्यूरो पूरन राय की रिपोर्ट। बांदा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें अंतर्राज्यीय लुटेरों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन लुटेरों के पास से पुलिस ने लूटे गए 2 ट्रक एक क्रेटा कार बरामद किया है और सभी लुटेरों के ऊपर पुलिस कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि सभी लुटेरे प्रतापगढ़ जनपद के रहने वाले हैं। ये ट्रक लूटकर उत्तराखंड में उसका नंबर चेसिस नंबर बदलवाकर बाजार में बेचने का काम करते थे। इस गैंग के सभी शातिरों का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। इन पर पहले से ही दर्जनों हत्या, लूट, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर मामलों में प्रदेश दर्ज है। निकल कर आया है जो कि मूलतः प्रतापगढ़ का रहने वाला है और हर व्यक्तियों पे इस गैंग के जो हर मेंबर हैं उस पे लगभग 25 के आसपास के मुकदमे हैं, चोरी, लूट, डकैती इत्यादि के। तो सभी जो हैं एकदम बिल्कुल जघन्य अपराधी हैं और इनका काम ये है कि वो इस तरह के पेट्रोल पंपों पर रेकी करते हैं, ढाबों पर रेकी करते हैं और जो ढाबों के आसपास जो ट्रक खड़े होते हैं उनमें ड्राइवरों को अपने कब्जे में लेके एक क्रेटा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उस गाड़ी में उसको डाल देते हैं और एक व्यक्ति जो है इनका ट्रक लेकर वो दूर चला जाता है और तब तक वो उस गाड़ी क्रेटा को घुमाते रहते हैं जब तक कि वो ट्रक काफ़ी दूर न निकल जाए। तो एक बहुत बड़ी सफलता बांदा पुलिस को मिली है और इसमें जो पूरी टीम है हमारी, खासकर इसमें SOG की जो टीम है उसने काफ़ी मेहनत की। बांदा से केकेडी न्यूज ब्यूरो पूरन राय की रिपोर्ट।